पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। इस मॉड्यूल में आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सीखेंगे। वर्षा होते ही मोर और मोरनी नृत्य करने लगे। हम जानते हैं कि इस वाक्य में आया शब्द मोर पुल्लिंग तथा मोरनी स्त्रीलिंग है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम सभी विस्तार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम को उदाहरण सहित भली भांति जानेंगे। अ तथा आ को ई करने से। उदाहरण, रामलाल का पुत्र पढ़ने में बहुत होशियार है। इस वाक्य में आया पुल्लिंग शब्द पुत्र में आए अ त्र जमा अ को ई कर दे तो स्त्रीलिंग पुत्री बन जाएगा। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। पुल्लिंग देव का स्त्रीलिंग है देवी। पुल्लिंग मामा का स्त्रीलिंग है मामी। पुल्लिंग नर का स्त्रीलिंग है नारी। अ या आ को इया करने से। यह बंदर बहुत शैतान है। इस वाक्य में आया पुल्लिंग शब्द बंदर में आए अ र जमा अ को इया कर दें तो स्त्रीलिंग बंदरिया बन जाएगा। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। पुल्लिंग डिब्बा का स्त्रीलिंग है डिबिया। पुल्लिंग लोटा का स्त्रीलिंग है लुटिया। पुल्लिंग चिड़ा का स्त्रीलिंग है चिड़िया। जातिवाचक व्यवसायवाचक तथा उपनामवाचक शब्दों में इन या आइन लगाने से। उदाहरण, यह हलवाई बहुत अच्छी मिठाई बनाता है। इस वाक्य में आया पुल्लिंग शब्द हलवाई में आइन हलवा जमा आइन लगाने से स्त्रीलिंग हलवाइन बन जाएगा। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। पुल्लिंग जुलाहा का स्त्रीलिंग है जुलाहिन। पुल्लिंग कहार का स्त्रीलिंग है कहारिन। पुल्लिंग लुहार का स्त्रीलिंग है लुहारिन। प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में नी जोड़ने से। उदाहरण, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इस वाक्य में आया पुल्लिंग शब्द ऊंट जातिवाचक संज्ञा है तथा इस पुल्लिंग शब्द में यदि हम नी जोड़ दें तो स्त्रीलिंग ऊंटनी बन जाएगा। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। पुल्लिंग भील का स्त्रीलिंग है भीलनी। पुल्लिंग जाट का स्त्रीलिंग है जाटनी। पुल्लिंग सिंह का स्त्रीलिंग है सिंहनी। तत्सम अकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़कर। उदाहरण, अध्यक्ष के भाषण समाप्त होते ही सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इस वाक्य में आया पुल्लिंग शब्द अध्यक्ष में यदि हम आ जोड़ दें तो स्त्रीलिंग अध्यक्षा बन जाएगा। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। पुल्लिंग अपराजित का स्त्रीलिंग है अपराजिता। पुल्लिंग अनुज का स्त्रीलिंग है अनुजा। पुल्लिंग वृद्ध का स्त्रीलिंग है वृद्धा। तत्सम शब्द अक का इका करके। उदाहरण, सभी बालक इस नाटक को देखकर खुश हो गए। इस वाक्य में आया पुल्लिंग शब्द बाल में आए अक बाल जमा अक के स्थान पर यदि हम इका कर दें तो स्त्रीलिंग बालिका बन जाएगा।
इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। पुल्लिंग संयोजक का स्त्रीलिंग है संयोजिका, पुल्लिंग पाठक का स्त्रीलिंग है पाठिका, पुल्लिंग निवेदक का स्त्रीलिंग है निवेदिका। तत्सम शब्द में ता का त्री करने से, उदाहरण, इस फिल्म के अभिनेता अजय देवगन हैं। इस वाक्य में आया पुल्लिंग शब्द अभिनेता में आए ता के स्थान पर यदि हम त्री कर दें तो स्त्रीलिंग अभिनेत्री बन जाएगा। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। पुल्लिंग रचयिता का स्त्रीलिंग है रचयित्री, पुल्लिंग कर्ता का स्त्रीलिंग है कर्त्री, पुल्लिंग वक्ता का स्त्रीलिंग है वक्त्री। संबंध जाति तथा उपनाम वाचक शब्दों में आनी या आणी जोड़ने से, उदाहरण, सच्चा क्षत्रिय अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। इस वाक्य में आया पुल्लिंग शब्द क्षत्रिय में यदि हम आणी जोड़ दें तो स्त्रीलिंग क्षत्राणी बन जाएगा। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। पुल्लिंग मुगल स्त्रीलिंग मुगलानी, पुल्लिंग रुद्र स्त्रीलिंग रुद्राणी, पुल्लिंग नौकर का स्त्रीलिंग है नौकरानी। लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा और नर शब्द जोड़ने से, उदाहरण, यह खरगोश बहुत प्यारा है। इस वाक्य में आया पुल्लिंग शब्द खरगोश का स्त्रीलिंग शब्द मादा खरगोश है। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। पुल्लिंग मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है मादा मगरमच्छ, पुल्लिंग नर चील का स्त्रीलिंग है चील, पुल्लिंग खरगोश का स्त्रीलिंग है मादा खरगोश। हिंदी भाषा में कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग बनाने पर पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं, उदाहरण, घर में साधु आए। इस वाक्य में आया पुल्लिंग शब्द साधु का स्त्रीलिंग साध्वी है। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। पुल्लिंग सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द है साम्राज्ञी, पुल्लिंग विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है विदुषी, पुल्लिंग पुत्र का स्त्रीलिंग शब्द है पुत्रवधु। कई शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, उदाहरण, माँ ने मुझे यह साइकिल उपहार में दिया है। इस वाक्य में आया साइकिल शब्द का प्रयोग दोनों लिंगों अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से होता है। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। दही मेज ना, इन तीनों शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से होता है। कुछ प्रत्यय युक्त शब्द भी उभय लिंगी होते हैं, उदाहरण, इस होनहार तैराक ने देश का नाम रोशन किया है। इस वाक्य में आया प्रत्यय युक्त शब्द तैराक उभय लिंगी है। इस नियम को हम अन्य उदाहरण में भी जानेंगे। दयालु रट्टू पढ़ाकू, ये तीनों प्रत्यय युक्त शब्द उभय लिंगी हैं। इस मॉड्यूल में आपने सीखा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग कहते हैं, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।